एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा सुर्खियों पर। घोर्रा और रहन खुर्द के अत्यंत जर्जर गड्ढे और कीचड़ युक्त मार्ग की गंभीर समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन धानों के जिला अध्यक्ष विपिन यादव के नेतृत्व में पीड़ित ग्रामीणों ने गांव ढोड़ा में रेलवे लाइन के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने पर बड़ी संख्या में जर्जर और कीचड़ युक्त मार्ग से पीड़ित ग्रामीण भी बैठे हैं। पीड़ित किसानों ने बताया कि मार्ग जर्जर होने के चलते बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे मार्ग से नहीं निकल पाते हैं। कच्चा मार्ग होने के कारण बारिश के दिनों में 2 से 3 फुट तक पानी भर जाता है और गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जिससे वाहन पलट जाते हैं। कई बार बाइक सवार कर चोटिल हो चुके हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आसपास कई स्कूल होने के कारण छात्र छात्राएं रेल पटरी के सहारे अपने स्कूल और घर जाते हैं, जिससे उनकी जान को हर समय खतरा मंडराता रहता है। मार्ग की बदहाली के चलते वाहनों और स्कूल बसों में 4 से 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर गांव रहन खुर्द व अन्य गांव को जाना पड़ता है। जिला अध्यक्ष विपिन यादव ने बताया कि पहले रेलवे के किनारे दोनों गांव का पक्का संपर्क मार्ग था। रेलवे ने तीसरी नई रेल लाइन डाली, इसके कारण संपर्क मार्ग खत्म कर दिया गया तथा किनारे से नया संपर्क मार्ग बनाया गया, जो उन्होंने अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल किया। जब कई गांव के लोगों ने विरोध किया तो हम भी पहुंचे और काम रुकवा दिया। गांव में महापंचायत भी हुई और महापंचायत में रेलवे के अधिकारी तथा अदमतपुर तहसील के अधिकारी पहुंचे और दोनों की उपस्थिति में यह तय हुआ कि लाइन बनने के बाद में आपको रास्ता सही करके दिया जाएगा, लेकिन आज तक मार्ग सही नहीं किया गया है। राम नरेश, ये कहाँ रहते हैं आप? रहन खुर्द में। ये रास्ता खराब होने की कितनी परेशानी और कितने दिक्कत होती है आप लोगों को यहाँ पे? तो 2-3 महीने से जब से बारिश शुरू हुई है तभी से परेशानी हो रही है आने जाने वालों को। 4-4 फुट के गड्ढे हो गए हैं, कहीं पर कोई भी हादसा हो सकता है किसी भी समय। तो बच्चों और महिलाओं को ले आने जाने की परेशानी होती है? हाँ होती है। आपने शिकायत करी कहीं इसकी? इससे पहले विज्ञापन दिया था, तहसील स्तर पर भी दिया था, SDM साहब को भी दिया था और नहीं हुई। और इनको भी रेलवे वालों से भी टाटा वालों से भी पहले आश्वासन दिया था इन लोगों ने कि हम सही कर देंगे, हमारा काम पूरा हो जाए, उसके बाद इन्होंने सही नहीं करके दिए। गांव तक आप कैसे पहुंच पाते हैं? घूम के आते हैं 4-5 किलोमीटर। मेरा नाम रामेश्वर है, त्रैनकुड़ में रहते हैं। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को रास्ता नहीं होने की वजह से? बहुत परेशानी हो रही है, कोई भी वाहन नहीं पहुंच पा रहा है, तो वाहन क्या पैदल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग। रास्ते में जगह जगह पानी भरा हुआ है, करीब करीब 2 किलोमीटर घूम करके आने पर भी परेशानी है। तो महिलाओं को और परेशानी होती होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी है, कहीं आना जाना सब कुछ रुका हुआ है। ये कितने टाइम से रास्ता खराब है? रास्ता ये रेलवे लाइन बनी है उस समय से विशेष खराब है। आपने कहीं शिकायत करी है सब लोगों ने? बहुत पहले से की है और हमें काफी दिन पहले आश्वासन दे दिया गया था, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। काफी परेशानी होती है? बहुत, काफी परेशानी होती है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से जिला अध्यक्ष हूँ, विपिन यादव आगरा से। इस मामले को लेके आप गांव में धरने पर बैठे हैं? देखिए, धोर्रा और रहन खुर्द ये दो गाँव है और ये बड़े गाँव है और ये दोनों गाँव का संपर्क मार्ग रेलवे विभाग ने खत्म कर दिया है। अपने काम के लिए इन्होंने अपने डंपर मिट्टी के लाने के लिए ले जाने के लिए अपने काम के लिए इन्होंने थोड़ा बहुत मिट्टी डाल करके सही किया था, वो बारिश होने के कारण वो कटान हो गया, 2-2, 4-4 फुट गहरे गहरे गड्ढे हो गए, रास्ता दोनों गाँव का ख़त्म हो गया है। रहन खुर्द पर स्कूल भी है जिसमें कम से कम 12-14 गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ने के लिए पहुंच पा रहे वहां, तो पैदल निकलना तो बड़ा मुश्किल है, तो वाहन लेकर के कहां से पहुंच जाएगा आदमी, तो बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात ये है, हमारी जब रेलवे विभाग वालों का जब काम चल रहा था तो गाँव वालों ने आक्रोश था, उन्होंने काम को रुकवा दिया था, तो उप जिलाधिकारी एतमादपुर SDM साहब जब हमारे पास में पहुँचे, उन्होंने हमें ये मामला अवगत कराया, तो हमने उनको आश्वासन दिया कि किसानों को हम समझा देंगे और किसान मान जाएंगे, लेकिन शर्त इसमें ये है कि इन दोनों गांव का रास्ता आपको तैयार करके देना पड़ेगा। तो अभी तक आपसे सुनवाई नहीं हुई है? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जिस समय हमारा रेलवे का काम खत्म हो जाएगा तो हम आपको ये दोनों गाँव का संपर्क मार्ग है, जो मार्ग है उस संपर्क मार्ग को हम कम्प्लीट करा के देंगे।
लेकिन वो संपर्क मार्ग उन्होंने कंप्लीट नहीं कराया, इन किसानों के साथ में उन्होंने धोखा किया है, हमारे साथ में उन्होंने धोखा किया है। हम इसलिए किसानों को जब हमने आश्वासन दिया था किसानों को, मैंने कि आपकी मांग है अगर ये नहीं करेंगे तो हम करवा के देंगे, आप परेशान मत हुई, तो वो लोग इतने भले लोग निकले कि अपना मतलब सिद्ध करने के बाद में वो चले गए, पर लेकिन हमारी प्राथमिकता बनती है कि जनता को हमने आश्वासन दिया था और वो जनता की समस्या को लेकर के हमने उपजिलाधिकारी एतमादपुर को भी हमने अवगत करा दिया। कब तक चलेगा आपका ये अनिश्चितकालीन धरना है? जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी, दोनों गांव का पक्की सड़क करा के नहीं देंगे, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना है। धरना हमारा जारी रहेगा और यहां पर राष्ट्रीय पंचायत होगी और निश्चित है सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आगरा से सुनील अरोड़ा की। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए